इट इज आर इंटू सी अगेन, तो फॉर सेकेंड वैल्यू दैट इज 50 × 60 डिवाइड बाय 200। E13 थर्ड वैल्यू 50 × 116 डिवाइड बाय 200। आई विल कैलकुलेट दिस थ्री वैल्यूज का कैलकुलेशन। तो 50 × 4 = 200 × 4 = 24 दैट इज 6 जा सेकंड, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 = 30 30/2 विच इज 15। 50 × 4 = 200 116 / 4 4 2 = 8 4 9 = 36 तो 3 ऑब्जर्व हो गए। नाउ नेक्स्ट 3 निकालना है। ऑब्जर्व 2 1 24 60 116 एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड 2 1 तो मतलब 18 के लिए लेंगे तो इट इज 150 × 24 सेकेंड वैल्यू को लेंगे तो 150 × 60 115 116 0 0 कैंसल, 5 3 = 5 4 = 24/4 इज 6 6 × 3 18 2 0 कैंसल 15 6 = 90/2 90/2 इज 45 5 4 = 29 87 Now we'll calculate chi square. Observe sum of observed minus expected, the whole square upon expected. तो 6 values से 6 calculation आएंगे. There are total 6 calculation. First observed 6 minus 6 upon expected. Second 20 minus 15. +24 − 29 upon expected. (24 − 18) 60 − 45 116 − 87 Now we'll do calculation.
6 minus 6, the first term will be 0. 20 minus 15, which is 5. 5 ka square is 25. 24 minus 29. 24 minus 29 is minus 5, but square will be 25. 24 minus 18. 24 minus 18 is 6. Cos square 36. 60 minus 45. 22. The observed is 18 and 40 and 92. यहाँ मैंने observed last value लिखी actually it is 18, 40 and 92 होगा. तो यहाँ पे कुछ changes करना पड़ेगा. This is 18, 42. 92 18 42 and 92 18 minus 18 0. 42 minus 45 is minus 3. Minus 3 ka square is 9. Yes, sir. 40 minus 45, which is minus 5. Minus 5 ka square is 25. And the last value is 92 minus 87 is again 5. 5 ka square is 25. Okay, now we'll have to do this addition. It is 25 upon 15, 25 upon 29, 25 upon 45, and 25 upon 87. Four values are 5 5 5 3 5 5 5 9 5 by 3 25 by 29 5 by 9 and 25 by 27. अब सबको ऐड करना है, या तो चारों को डेसिमल में कन्वर्ट करो, मतलब डिवाइड कर लो एंड देन ऐड, या फिर एलसीएम लेके करो. आई थिंक एलसीएम लेके मैं कर रहा हूँ. इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ. 3 और 9, 3 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. 3 3 9, 3 5 15, तो 15 plus 5 20 by 9. इन दोनों को भी मैं ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज 29 3 87 होता है. 3 से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 3 into 25 मतलब 75 by 87 हो जाएगा. 75 plus 25, which is 100 by 87. Now, अब इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. 20 by 9 का कितना आएगा? 100 by 87 का. एंड देन वी एड दिस टू वैल्यूज. 100 by 87, which is 1.14. एंड यहाँ पे 20 by 9 है, 2.22, which is 3.36. तो 6 वैल्यूज रहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, कैसे सॉल्व करना था एक बार देख लो. तो बाकी सब में जो टेबल दिया हुआ है, थर्ड मैंने सॉल्व कर दिया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, फोर्थ में भी दिया हुआ है, फिफ्थ एक लास्ट क्वेश्चन है, बट जिसका टेबल नहीं दिया हुआ है, इसका टेबल भी बनाना है फर्स्ट ए पार्ट में और सेकंड में कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर. तो मैं इसका टेबल बना के दे दे रहा हूँ एंड यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है,
Out of sample of 120 persons in a village, 80 were administered a new drug for preventing influenza, and out of them, 18 were attacked by influenza. Out of those who were not administered the new drug, 10 persons were not attacked by influenza. Prepare A, a two-way table showing frequency. B, compute the chi-square statistics. यहाँ पे तुम्हें टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है? टू वे टेबल पहले बनाना है एंड देन काय स्क्वायर निकालना है. तो ये टू वे टेबल का मैं कैलकुलेशन और टेबल में फॉर्म कर देता हूँ. स्टार्ट कैसे करेंगे? इसमें तुम्हारे पास कौन कौन से हैं? 120 पर्सन इन अ विलेज, मतलब ये टोटल एन रिप्रेजेंट करता है. 80 वर एडमिनिस्टर्ड अ न्यू ड्रग, यहाँ पे फर्स्ट आएगा ड्रग एडमिनिस्टर्ड. दूसरा आएगा ड्रग नॉट एडमिनिस्टर्ड. एडमिनिस्टर. उसके बाद नेक्स्ट आएगा इन्फ्लुएंजा से अटैक हो रहा है, तो इट इज अटैक्ड. यहाँ पे आएगा एंड नॉट अटैक्ड. ठीक है, तो 1, 2, 3 and 4, ये फोर वैल्यूज फिल करना है. और यहां पर आएगा टोटल एंड हियर वी हैव अ टोटल. टेबल फॉर्म हो गया, अब बस इसमें वैल्यू फीड करना है. Okay, let's start filling the values. First, 80 were administered a new drug. मतलब 80 लोग को मैंने drugs मतलब that we can say vaccination or whatever is given. तो total drug administered is 80. Figure हो गया. For preventing influenza and out of them, मतलब out of these 80, 18 were attacked by influenza. मतलब जिनको ड्रग दिए हैं उसमें भी 18 लोग को इन्फ्लुएंजा हो गया, मतलब यहाँ पे 18 आएगा. Out of those who are not administered, मतलब ये next column है, 10 person were not attacked by influenza, उसमें 10 लोग को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ है. And total we have 120 person. ठीक है, तो कुछ four values दिए, बाकी five values we have to calculate. So let's start. 18 है और ये 80 है. Addition होने पे 80 होना चाहिए. तो कितना 18 में add करेंगे कि 80 होगा? That is 62. अब horizontal में आ जाओ. 62 plus 10. कितना add करेंगे कि total, मतलब total कितना हो जाएगा? 62 plus 10 is 72. ये 72 है, ये 120 है. तो 72 और ये 120, मतलब इसमें कितना ऐड करेंगे 72 में कि 120 हो जाए? इट इज 48. ठीक है, ये 18 है, 48 है. मतलब 18 में हाउ मच आई शुड ऐड सो दैट आई विल गेट 48? इट इज 30. 30 प्लस 10 इट इज 40. तो यहाँ पे पूरा तुम्हारा टू वे टेबल कंप्लीट हो गया है. वी हैव दिस फोर वैल्यूज, 1, 2, 3 एंड 4.
और ये फोर वैल्यूज का विल हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड हो गया था, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर्थ.